हाँ भाई, कहाँ की तैयारी हो रही है? शॉपिंग की तैयारी हो रही है? शॉपिंग का प्लान बन रहा है? अरे शॉपिंग, ये अभी तो कुछ मिला, तुम कुछ चीजें लेकर आई थी? 11-11 की सेले वेले आ रही हैं, कुछ इंतजार करो सेल वेल का। क्या मतलब, अभी तो गई थी? जब शॉपिंग अभी करनी है तो सेल का वेट क्यों करना? मसला यही है कि आप हस्बैंड हैं और आपको कोई मेरी बातों का रियलाइज हो ही नहीं सकता। मैं जितना भी कर लूँ ना इस घर के लिए, सुबह से शाम लगे रहो। लॉन्ड्री वाली भी मैं हूँ, कुक भी मैं हूँ, शेफ भी मैं हूँ, टीचर भी मैं हूँ, ट्यूशन भी मैं पढ़ाऊँ, स्कूल चिकन ड्रॉप भी मैं करूँ, बीमार हूँ तो भी मैं लगी रहती हूँ। अपने लिए मैं कुछ भी नहीं मांगती। लास्ट कपड़ा याद भी होगा मैंने अपने लिए कब लिया था? नहीं, आपको तो याद भी नहीं होगा, आपको तो पता भी नहीं होगा मेरे पास कौन सा कपड़ा है, कौन सा कपड़ा नहीं है, बच्चों का कौन सा कपड़ा है, कौन सा कपड़ा नहीं है। सीजन चेंज होने वाला है, समय खत्म हो चुका है, विंटर आ चुका है, लेकिन बच्चों को कौन सा कपड़ा चाहिए आपको नहीं पता। जब मैं नहीं रहूंगी ना तब मेरा एहसास होगा। मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे सोच लेना चाहिए था खर्चा करने से पहले ना। नहीं, अब तो शादी करने से पहले नहीं, कभी कहते हैं कि 400 तुम अपने लिए एक्स्ट्रा ले लो, नहीं कभी भी नहीं कहा होगा। और अगर मुंह खोल के बोल भी दो कुछ लेना है तो जिस दुनिया की सबसे फजूल खर्च औरत मैं ही हूँ। अच्छा भाई तुम जाओ, तुम शॉपिंग पे प्लीज जाओ। नहीं मुझे अब जाना ही नहीं है, मैं चाहता हूँ। इतनी सारी शॉपिंग है, बिल तो बड़ा बजटेड है। आप एक बार चीज़ जाकर तो देखें, पूरे साल इतनी रीजनेबल रेट्स की 11-11 की सेल्स का वेट ही नहीं करना पड़ेगा।